हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। तो LIC ने अपना नया प्लान धनवर्षा कुछ दिनों पहले लॉन्च कर दिया है और हमारे चैनल पे उस प्लान के बारे में दो इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं और उम्मीद यही है कि आप उन वीडियोस को देख भी चुके होंगे। वीडियो देखने के बाद आप में से कई साथियों का ये कमेंट आया कि कुछ एग्जाम्पल के साथ उस प्लान को समझाया जाए, तो आज के वीडियो में हमने आपके डिमांड को पूरा किया है और आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं जिससे कि आप इस प्लान को और क्लियरिटी में समझ सकें। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिना समय गंवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो धनवर्षा प्लान के बारे में वैसे तो पूरी डिटेल जानकारी पिछले वीडियोस में है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन जल्दी से आपके स्क्रीन पे इस प्लान के कुछ बुलेट पॉइंट्स यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। दो प्रकार के रिस्कवर हैं, 1.25 गुना रिस्कवर और 10 गुना रिस्कवर, और 10 और 15 साल का टर्म है, 3 साल के बच्चों से लेके 60 साल तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है, और इसमें जो है डेथ बेनिफिट भी है, यानी कि टर्म के अंदर डेथ होने पे पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्लेम मिलेगा, और मैच्योरिटी बेनिफिट है जिसमें बोनस पहले से डिक्लेयर है। बोनस का रेट क्या है वो भी यहाँ पर आपके सामने है, और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हमारे पिछले वीडियोस में इसको डिटेल में समझाया भी गया है। एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है, यानी ADDB राइडर भी उपलब्ध है और टर्म एश्योरेंस राइडर भी उपलब्ध है। लोन और सरेंडर की सुविधा भी इस सिंगल प्रीमियम प्लान में उपलब्ध है, लेकिन जिसके लिए वीडियो बना है पहले उस पर हम तुरंत जो है चलते हैं, यानी एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल 30 साल के व्यक्ति का है, अगर वो 1.25 गुना रिस्कवर के हिसाब से 1,25,000 रुपये के आसपास जमा करता है तो 10 साल के बाद उसको गारंटीड 2 लाख रुपए मिलेंगे। रिस्क कवरेज कैसे बढ़ रहा है आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ कॉलम में रिस्क कवर के बारे में बताया गया है और किस एज में क्या लोन और सरेंडर वैल्यू उसको मिलेगा अगर वो 1.25 लाख के आसपास जमा करता है, वो भी आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में एक 3 साल के बच्चे की बात करें जो 15 साल की एक सिंगल प्रीमियम 9,22,000 रुपये अगर वो जमा करता है तो उसको 18 की एज में यानी 15 साल के बाद 21,25,000 रुपये मिलेंगे बोनस जोड़ के। जैसा आपको बताया गया, बोनस पहले से डिक्लेयर है। रिस्क कवरेज कैसे बढ़ेंगे वो आप थर्ड और फोर्थ कॉलम में देख सकते हैं। कब उसको कितना लोन मिलेगा अगर समय से पहले सरेंडर करता है तो क्या वैल्यू होगी, वो भी आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा। 60 साल का व्यक्ति की बात करें, अक्सर इस एज ग्रुप के लोग रिस्क कवर के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्लान है। अगर कोई व्यक्ति जो 10,52,000 रुपये जमा करता है तो आप देख सकते हैं कि जमा करने के 10 सालों के बाद उसको 17 लाख रुपये मैच्योरिटी पे तो मिल रहा है, लेकिन जो रिस्क कवरेज है वो 13,18,000 रुपये से लेके 19,48,000 रुपये तक है, यानी कि 60 से लेके 70 के बीच में रिस्क कवरेज तो है ही, और रिटर्न के हिसाब से जितना वो जमा किया है 10,52,000 उसके कंपेरेटिवली 17 लाख रुपए उसको 10 साल के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये तीनों एग्जांपल जो आपने देखा ये 1.25 गुना रिस्क कवर का था। 1.25 गुना रिस्क कवर का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल भी होगी, और अगर आप 1.25 गुना रिस्क कवर लेंगे तो रिटर्न ज़्यादा होगा लेकिन रिस्क कवर थोड़ा कम भी होगा। अब दो एग्जाम्पल देखेंगे 10 गुना रिस्क कवर का। अगर 25 ईयर्स का कोई व्यक्ति है, वो 10 साल की एक FD कराता है, सिंगल प्रीमियम प्लान लेता है, 8,78,000 रुपये के आसपास जमा करता है तो 10 साल के बाद उसको जो है 13.5 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा। अब आप देखेंगे रिटर्न तो कम हो गया। रिटर्न कम क्यों हुआ, क्योंकि रिस्क कवरेज बढ़ गई। थर्ड कॉलम में आप देखेंगे जहाँ नॉर्मल कवरेज लिखा है वहाँ पर 83,62,000 रुपीज़ के आसपास रिस्क कवर है, जो मैच्योरिटी के एक साल पहले तक करीब 86,77,000 तक पहुंच जाता है, यानी कि 8,78,000 रुपए देने के बाद
लगभग लगभग 10 गुना रिस्क कवर वो पूरे 10 साल में उसको मिलेगा। और जो जो भी व्यक्ति एक सिंगल प्रीमियम प्लान देकर अच्छा रिस्क कवर चाहता है और गारंटीड रिटर्न भी चाहता है उसके लिए ये प्लान अच्छा है। साथ ही साथ 10 गुना रिस्क कवर का मतलब क्या हुआ कि 80C में आप इनकम टैक्स में पूरा रिबेट ले पाएंगे और मैच्योरिटी भी आपकी नॉन टैक्सेबल होगी, क्योंकि सिंगल प्रीमियम प्लान में ये शर्त है कि आपको इनकम टैक्स का छूट तभी मिलता है जब जो प्रीमियम आप दे रहे हैं उसके हिसाब से GST छोड़ के आपको 10 गुना कम से कम रिस्क कवर जरूर मिले। और अगर पांचवा और आखिरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी एक 40 इयर्स के व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं जिसमें 10 गुना रिस्क कवर जो है वो लेता है, 10,30,000 रुपये के आसपास जमा करता है, तो 10 साल के बाद अमाउंट तो कम मिलेगा 13.5 लाख रुपये, लेकिन रिस्क कवरेज उसको करीब करीब 1 करोड़ के आसपास मिलेगा पूरे 10 सालों में। जैसे कि आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं, लोन और सरेंडर वैल्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, अगर आप 1.25 गुना रिस्क कवर लेंगे तो रिटर्न आपका ज़्यादा होगा, रिस्क कवरेज कम होगा, टैक्स भी आपको उस पे करना पड़ेगा मैच्योरिटी पे। लेकिन अगर आप 10 गुना रिस्क कवर लेंगे तो मैच्योरिटी कम होगी और रिस्क कवरेज ज़्यादा होगा, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और जैसा कहा गया है कि हर चीज़ की जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं। प्लान नया है, अच्छा है, अगर कोई गारंटीड प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अवश्य ले, लेकिन बहुत कुछ खास इसमें नहीं है। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो